मिश्रा जी क्या है, बोलिए मिश्रा जी। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये वैक्सीन नहीं है, मैं मानता हूँ वैक्सीन नहीं है, इन लोगों को विश्वास नहीं है, ये बेचारे अनपढ़ है, गवार है। इनके लिए जो सबसे पुरानी वैक्सीन और सबसे ट्रस्टेड वैक्सीन है ना, जो रेबीज की वैक्सीन है, इन लोगों को रेबीज की वैक्सीन लगवाएंगे जिनके ऊपर इनका विश्वास है। कोवैक्सीन, कोविड की वैक्सीन इन लोगों के लिए नहीं बनी है। रही बात आपदा में अवसर, हाँ ये आपदा में अवसर है, ये 120 करोड़ भारतीयों की सेवा का अवसर है जो सरकार और डॉक्टर मिलकर कर रही है, ये पूरी मानवता की सेवा करने का अवसर है जो भारत देश कर रहा है, ये भारत की फार्मा इंडस्ट्री को दुनिया में जगत गुरु बनाने के लिए, वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए ये अवसर है। हम इसको, आपदा को इस अवसर में देखते हैं, आप इस आपदा को अपने स्वार्थ में देखते हैं। आप कोरोना की वैक्सीन मत लगवाइए, कसम खाइए, आपको रेबीज के वैक्सीन लगाने की जरूरत है, तब आपको कोरोना की वैक्सीन उसके बाद दी जाएगी, ताकि आपको समझ में आए कि कोरोना की वैक्सीन क्या है। आप रेबीज का वैक्सीन पहले लगवाइए, फिर डिबेट में बैठिए, तब आपको कोरोना की वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत समझ में आएगी। जाइए पहले रेबीज का वैक्सीन लगवाइए, फिर आइए। एक सेकंड रुकिए, रेबीज का वैक्सीन लगवाइए, तब आइए। आपको पहले रेबीज के वैक्सीन की जरूरत है। अतुल जी इतनी अतुल जी अपने बयानों पे अब डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए दो वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बयान है ना आपके नेताओं के, वो हमारे पास है, तो अब क्या करेंगे? कितने बड़े सेपरेटिस्ट है, विघटनकारी इनकी मानसिकता देखिए। एक नर्स, एक डॉक्टर, हमेशा नर्स होता है, डॉक्टर होता है। इसमें भी ये प्रांतवाद देख रहे हैं कि ये केरल की नर्स है तो ये यूपी की नर्स है। छोटे बच्चे डॉक्टर के पास टीका लगवाने के लिए जाते थे ना, तो दूर से देख करके ही डरते थे। भारत के कल्याण को देख करके ये दूर से ही डर रहे हैं। उद्यमेन ही सिद्धंते कार्याणि न च मनोरथे। आपने न थाली बजाई, न जागरूकता फैलाई, और टीका लगवाने के लिए भी आप नहीं आ रही करना चाहते हैं। आपके पास आ रही है, देश के जनता के लिए ना।